कहते हैं ना दोस्तों, ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर। वक्त के सिकंदर भी कई हुए हैं, जहां होते थे कभी शहंशाहों के महल, देखे हैं वहीं अब उनके मकबरे बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएल मेहरडा और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बीएल मेहरडा जर्नी पर। दिल्ली के मेहरोल बाग में जहां कुतुब मीनार खड़ी आसमान से बातें कर रही है और दिल्ली में अपनी एक पहचान बना ली है, वहीं इसे भी किसी समय में पीछे छोड़ने की कोशिशें हो चुकी हैं। आपको बताते हैं दोस्तों आज अलाई मीनार के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है दोस्तों सन 1311 ईस्वी की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक मीनार बनवाने का निर्देश दिया और कहा कि यह मीनार कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची हो और विश्व की सबसे ऊंची मीनार हो। ये अलाई मीनार वही मीनार है जिसे कुतुब मीनार को पीछे छोड़ सबसे ऊंची मीनार बनना था, लेकिन वक्त को तो शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते यह मीनार एक मंजिला भी नहीं बन पाई। अलाउद्दीन के सेनापति ने ढेर सारे कारीगर जुटाए और इसका निर्माण शुरू करवा दिया। इस मीनार को मजबूती प्रदान करने वाले नींव की मजबूती देना जरूरी था, जो वो नहीं दे पाए, और इस मीनार में बड़े बड़े पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया, जिसके चलते इसे इतना ऊंचा ले जाना संभव नहीं था। इस मीनार में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कुतुब मीनार की नकल कर इस मीनार में भी 16 कोने बनवाए गए, लेकिन इन कारीगरों में सबसे ज़्यादा कारीगर युद्ध का तजुर्बा रखते थे, इसलिए इसको पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस मीनार को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अगर यह मीनार बन भी जाती तो इन पत्थरों के वजन के कारण जल्द ही ढह जानी थी। इस इमारत की ऊंचाई 24.5 मीटर है। इस इमारत का और हिस्सा बन पाता इससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद मीनार का काम वहीं ठप हो गया, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों को इसे पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज भी ये मीनार वैसी ही अधूरी पड़ी है। ये संदेश है उन शक्तिशाली लोगों को याद दिलाने के लिए कि वक्त गुजरते वक्त नहीं लगता और समय का पहिया घूमता रहता है। जो कभी पूरी दुनिया पर राज किया करते थे वो आज कब्र में दफन है। गुमान करो दोस्तों तो अपनी अच्छाई का, जिससे आपके जाने के बाद लोग आपको याद करेंगे, वरना एक दिन इस मिट्टी ने तो अपने अंदर जगह देनी ही है। यही तो बात है दोस्तों, एक ही जगह खड़ी ये दो इमारतें, दोनों में से एक को लोग निहारते हैं और दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और दूसरी इमारत का इतिहास तक नहीं जानते। तो ये था कुतुब मीनार के पास खड़ी अलाई मीनार का अनसुना रहस्य। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिल्ली आने वाले इस इमारत को ज़रूर देखें। दोस्तों दिल्ली के मेहरोली बाग में एक
अलाई मीनार है और दूसरी तरफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की शोभा वाकई काबिली तारीफ़ है, तो इसे ज़रूर देखने आए। यहाँ पर एक लोहा स्तंभ भी बना हुआ है और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी है। धन्यवाद दोस्तों।